श्री राम महापर्व की महा कवरेज लगातार आप देख रहे हैं और ये रामरात्रि है, रामरात्रि जो राम भक्ति से अब शुरू होगी और जो सुबह की पहली किरण होगी वो इंतजार कर रही है उस प्राण प्रतिष्ठा का जो 12:20 में आज ही होने वाली है। और बस अब कुछ ही समय शेष है क्योंकि आज का दिन बहुत विशेष है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और ऐसे में अब वो समय बहुत नजदीक आता जा रहा है। लेकिन आज की इस पूरी रात भी एक दीपोत्सव था जो दुनिया भर में मनाया गया। तो हर पल कैसे निकलता जा रहा है इसका मालूम ही नहीं पड़ रहा। अयोध्या से इस वक्त रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भोपाल से हमारे साथ मनोज भी हैं। पहले चलेंगे रवि आपके पास, अयोध्या में 2:18 का इस वक्त वक्त हो रहा है, क्या माहौल वहां पर इस वक्त आप दिखाएंगे? जो लोग वहां पर इंतजार कर रहे थे क्या वो घर लौट गए हैं? तमाम जो महिलाएं हैं वो राजस्थान से आई हैं। बिल्कुल रात के 12 बज चुके हैं, 12 से ज्यादा का टाइम हो चुका है। क्या कह रही हैं? हाँ बताइए, इधर आइए इधर आइए। हाँ क्या बोलना चाह रही हैं, क्या बोलना चाह रही हैं? हम लोग बक्सर नगर से आए हैं। बक्सर से? हाँ क्या कहना चाह रही हैं? मेरा नाम उषा पांडे है। हाँ, और मैं यहाँ का राममय होकर के मैं धन्य हो गई। हम इतना देखे हैं कि जोगी और मोदी को आने से इस दुनिया में खुशी का लार का ठिकाना नहीं रहा। गाय वाला, गाय वाला और चाय वाला, 500 साल के बाद इतिहास रच रहा है तो हम उसके गवाह बनने आए हैं यहाँ पे। और ये हमारी खुशनसीबी है कि हम यहाँ आए हैं, हमें यहाँ आने का मौका मिला है और भगवान ने हमें मौका दिया है, हमें बुलाया है, पूरा परिवार आया है। और भगवान के ऐसे शुभ अवसर पे हमें आए थे जैसे दाम में आने का मौका मिला। आप देख रहे हैं News 18 India। और आज देश के लिए बेहद ऐतिहासिक दिन है, आज राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और आज दोपहर 12:05 से 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा। दोपहर 12:20 पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ 12 घंटे से भी कम का वक्त और इसीलिए लगातार उत्साह अब चरम पर देखा जा रहा है। और अभिजीत मुहूर्त में संपन्न होगा प्राण प्रतिष्ठा का ये समारोह। काशी के 121 आचार्य इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह को संपन्न कराएंगे। तो 10 घंटे का वक्त और ऐसे में जबकि बस कुछ समय शेष है क्योंकि आज का दिन विशेष है और उस विशेष पल के लिए हर कोई धड़कने थाम कर इंतजार करता हुआ मत संप्रदाय से जुड़े कई लोगों की मौजूदगी अयोध्या में होगी। और ऐसे में वो समय जबकि बेहद करीब आता चला जा रहा है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का। तो सिर्फ 12 घंटे का यहाँ पर वक्त बाकी हो चला है और काशी के 121 आचार्य इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह को संपन्न कराएंगे, इस अनुष्ठान को संपन्न कराएंगे। वहीं विभिन्न मतों, संप्रदाय और संस्कृति के लोग इसमें मौजूद भी रहेंगे। अयोध्या में विराट उत्सव चल रहा है, भगवान श्री राम के स्वागत में अयोध्या में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है और प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर काफी उत्साहित हैं लोग, जगह जगह जश्न का माहौल है। और ये 3 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से हर तरफ केवल राम धुन ही चली आ रही है और किस तरीके से राम भक्ति में सब लीन है और इंतजार है 12:20 की उस शुभ घड़ी का। और दीपावली नहीं लेकिन आज का ये दिन और ये ढलती रात उससे भी ज्यादा दिव्य और भव्य होती दिखाई दे रही है क्योंकि आज राम रात्रि है और इसीलिए लोग कुछ इसी तरह से झूमते गाते नाचते नजर आ रहे हैं, ना सिर्फ अयोध्या में बल्कि देश और दुनिया के अलग अलग शहरों में उत्साह कुछ ऐसा ही है। और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी दुनिया राममय हो गई है, विदेश में राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। और सिर्फ अयोध्या ही नहीं, भारतवर्ष ही नहीं बल्कि भारत से बाहर दुनिया के दूसरे देशों में भी कुछ ऐसा ही उत्साह देखा जा रहा है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भी कुछ ऐसा ही धुन सुनाई भी दिया, लोग राममय हुए नजर आए। और राम किनारे वहां लगाए गए तो ब्रिटेन में राम सीता की आरती की गई जबकि सिडनी में दिवाली मनाई गई। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कहीं भगवा ध्वज लहराया जा रहा है, कहीं मिठाइयां बांटी जा रही है,
तो कहीं जमकर आतिशबाजी हो रही है और एक नौ दीपोत्सव मनाया जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है अयोध्या में, जन्मभूमि में, नव दिव्य भव्य राम मंदिर में, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्साह में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। आया। अब आपको अयोध्या की एक और झलक दिखाते हैं और वो झलक जहां सुग्रीव किले के गेट पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही श्रद्धालु जय श्री राम का जयकारा लगाते दिखाई दे रहे हैं। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, अब से कुछ देर बाद कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तस्वीरें देखिए, जो सुग्रीव किला का गेट है प्रभु श्री राम के जन्म स्थल तक जाता है, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। उसके पहले देखिए उत्साह भक्तों में कैसे है, सभी राम भक्त झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के कितने उत्साहित हैं, ढोल नगाड़े की थाप पर लगातार नृत्य कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। तस्वीरें एक बार फिर दिखाता हूं मैं, प्रभु श्री राम का धाम बन करके तैयार है और वहां पर प्रभु श्री राम प्रवेश करने वाले हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उनकी। उसके लिए ये भक्त किस तरह से नाच गा करके, नारे लगा करके और अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह के रंग हैं, अलग अलग तरह के लोग आए हुए हैं, पूरे देश से लोग आए हैं, पूरी दुनिया से लोग आए, मुझे मलेशिया के लोग मिले, मुझे सिंगापुर से आए लोग मिले, तमाम दुनिया देश के हिस्सों से लोग यहाँ पहुँचे हैं, डांस कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। कितनी खुशी, बहुत खुशी है, कोई को बयां नहीं कर सकता, शब्द नहीं, हमारे पास इतनी सारी खुशी है। 500 साल की काली रात खत्म होने वाली है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, मन गदगद हो गया है, बहुत शानदार है। राम लला का प्राण प्रतिष्ठा है, हिंदुस्तान की जान है, मर जाएंगे आप जी जाएंगे इसी पर जान लगा देंगे। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ जगत पिता जगदगुरु महाराज जी को और आज धन्यवाद देती हूँ भगवान चोला के पिता श्री नरेंद्र मोदी को और पिता श्री मोदी को और पिता श्री मुख्यमंत्री योगी जी को। मैं योगी जी को धन्यवाद देती हूँ। मैं मीरा तिवारी मृत गोपाल दास जी महाराज जी की शिष्य से हूँ और आप हम लोग उत्साह समझ सकते हैं कि सब लोग ऐसे घूम के जाए। मैं विवेक तिवारी दुबई आया, अब दुबई से आया हूँ जी, अब मैं दुबई से आया हुआ हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा राम मत भक्तपद सब राममय हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे विश्व के सनातनियों की तरफ से, पूरे विश्व के हिंदू परिवारों की तरफ से। आज दुबई में चाहे पाकिस्तान का बंदा हो, चाहे अफगानिस्तान का बंदा हो, जो भी सनातन को मानता है वो बहुत ही मुदित है, बहुत ही खुश है, बहुत ही प्रसन्न है। और आज इसके लिए तहे दिल से पूरे समस्त सनातनी परिवार की तरफ से, सभी राम भक्तों की तरफ से जय जय श्री राम, जय जय श्री राम की धुन और जय श्री राम के नारे के साथ जो राम भक्त हैं, कुछ घंटे बाद प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उनके नए विग्रह में और रामलला विराजमान भी उसी जगह पर पहुंच जाएंगे। उस खुशी में पूरी रात कोई सोने वाला नहीं है और प्रभु श्री राम के दर्शन को पूरी अयोध्या, पूरे देश से आए लोग आतुर हैं। तो देखिए तमाम राम भक्त इंतजार कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के उस शुभ मुहूर्त का। लेकिन यह तस्वीर हम आपको न्यू जर्सी से इस वक्त दिखा रहे हैं जहां पर 25 फीट ऊंची हनुमान जी की ये तस्वीर है जिसकी पूजा यहां पर की जा रही है और ऐसे में माला चढ़ी हुई आप देख पा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, रामकृष्ण जी, we are very happy, nalla we are very happy, nalla irki ena ram ayodhya mein ram pran pratishtha same time mein ram ji nammalki hanuman vandirukanga 25 feet 15 ton hanuman ram ji vandirukanga inga romba nalla irki please we pray everyone।
और ये दुनिया भर का उत्साह देख सक रहे हैं आप। दुनिया के कोने कोने में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कुछ ऐसा ही उत्साह दिखाई दे रहा है। और बस अब चंद घंटे ही बाकी हैं जब वो अनुष्ठान अपने चरम पर होगा। तैयारियां पूरी हो चुकी है। राम की नगरी अयोध्या को त्रेताकालीन झरोखे में ढालकर सजाया संवारा गया है। पूरी राम नगरी फूलों से महकती चहकती नजर आ रही है। एक नई अयोध्या आज दिखाई दे रही है। और वहीं पीएम मोदी के आगमन के नाते अयोध्या की सीमाओं को सील कर दिया गया है। और अब अयोध्या में सिर्फ वही लोग प्रवेश कर पाएंगे जिनके पास श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट का पास होगा। कुल मिलाकर के कड़ी सुरक्षा के बीच में अयोध्या का धार्मिक स्वरूप अपने उत्कर्ष पर पहुंचा हुआ दिखाई दे रहा है। बोलो सिया वर रामचंद्र की जय। प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण। बोलो राम सिया राम सिया राम। पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भाई सकल शोभा कै खानी। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी। देशोऽयं को हिरो ब्राह्मणाः सन्ति निर्फलाः। सौभाग्य से भरा ये पावन पल राम भक्तों को गर्व है इस क्षण पर। गुमान है इस पल पर। राम मेरी कृपा की दया कीजिए। राम मेरी कृपा अब दया कीजिए। जिंदगी के लिए कुछ कृपा कीजिए। राम जय राम जय जय राम। अवधपुरी की इन छटाओं को देख दसों दिशाएं दिव्यमान है। श्री राम जय राम जय जय राम। कलयुग का अलौकिक दृश्य है। ये अध्यात्म का अद्भुत परिदृश्य है। ये राम जन्मभूमि का नव निर्माण है। ये विधि का विहंगम विधान है। ये राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान है। राम अवध में आएंगे जब राम अवध में अयोध्या फूलों से सजवा दूंगी। जब राम अवध में आएंगे। अयोध्या का गगन आज मगन है। राम के चरणों में रची बसी अयोध्या आज फूले नहीं समा रही है। राम को आज अयोध्या नए स्वरूप में मिल गई है और अयोध्या को राम के चरण मिल गए हैं। सनातनियों को राम भक्तों को आज अयोध्या के रूप में एक नई निशानी मिल गई है। राम लला की यह दिव्य मूर्ति गर्भगृह में स्थापित हो गई है। उस मंदिर के गर्भगृह में जो राम की जन्मभूमि पर भव्य आकार ले चुका है। किसी भी मंदिर में मूर्ति पूजन प्रारंभ होने से पहले उसमें प्राण प्रतिष्ठा का विधान है। भव्य राम मंदिर में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगी, जिसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। 21 जनवरी को 114 कलशों से मूर्ति का दिव्य स्नान के बाद शय्याधिवास कराया गया। 22 जनवरी को सुबह नित्य पूजन के बाद मध्याह्न काल में प्राण प्रतिष्ठा की महापूजा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
22 जनवरी को यजमान के तौर पर प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल होंगे। विग्रह की आंख की पट्टी खोलकर उन्हें आईना दिखाएंगे। इसके बाद पीएम मोदी भगवान श्री राम को सोने के सिक्के से काजल लगाएंगे। पूजन प्रक्रिया में सबसे पहले भगवान का ध्यान किया जाएगा, फिर उनको आसन के लिए पुष्प दिया जाएगा। इसके बाद रामलला का चरण धोकर उनको अर्घ दिया जाएगा। मुख में आचमनी जल भी देंगे, फिर मधुपर्क देकर स्नान कराएंगे। शोषोपचार पूजन 20 मिनट का होगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उससे पहले सभी पूजन पूरे हो चुके होंगे। गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 40 मिनट में समाप्त हो जाएगा। आखिर में पीएम मोदी रामलला की महाआरती करेंगे। रामलला की महाआरती में भी मुख्य यजमान प्रधानमंत्री सहित गर्भगृह में मौजूद सभी लोग शामिल होंगे।